आठवीं क्लास में सामाजिक विज्ञान विषय में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत। आज हम करेंगे रैतवाड़ी व्यवस्था। रैतवाड़ी व्यवस्था है क्या? ये रैतवाड़ी व्यवस्था एक कृषि की नई व्यवस्था जिसको थॉमस मुनरो ने 1820 ईस्वी में मद्रास और मुंबई से शुरू किया था। कहाँ से शुरू किया था? मद्रास और मुंबई से शुरू किया था। कब किया था? 1820 ईस्वी में। किसने किया था? थॉमस मुनरो ने। प्यारे बच्चों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है क्योंकि ये आमतौर प्रतियोगितात्मक परीक्षाएं जो होती है उनमें ये प्रश्न आ जाया करता है। इस ये व्यवस्था थी क्या? सारी भूमि की व्यवस्था नए ढंग से कर दी गई जिसे रैतवाड़ी व्यवस्था कहते हैं। इस व्यवस्था के अनुसार क्या था? भूमि कर उन लोगों से लिया जाने लगा जो लोग स्वयं खेती करते, स्वयं कृषि करते थे। इसके साथ साथ सरकार ने उन लोगों को जमीन का मालिक बना दिया जो लोग अपने आप खेती करते थे। और इसके साथ साथ भूमि कर जमीन उपजाऊ व फसल की किस्म के आधार पर तय कर दिया गया। यानी ये देखकर ये जो कृषि है वो भूमि है, कृषि लायक है या नहीं है, या कम उपजाऊ है या अधिक उपजाऊ है, या फसल यहाँ पर ज्यादा हुई या कम हुई, किस आधार की कृषि थी, उसके आधार पर जो कर था भूमि कर तय कर दिया गया। इसके साथ साथ क्या कर दिया गया कि जो भूमि कर था वो 30 वर्षों की अवधि के लिए तय कर दिया गया। यानी 30 वर्षों तक यानी आपने यानी प्रति एकड़ 50 रुपए देना, 100 रुपए देना, इस प्रकार तय कर दिया गया था। इसके साथ साथ क्या फायदा हुआ? इससे सरकार की आमदनी बढ़ गई, उसकी सरकार की आय में वृद्धि हो गई। और क्या हुआ, जो कृषक थे, जो जमीन कृषि करने वाले थे बेचारे, वो लोग महाजन के चुंगुल से बच गए। महाजन कौन लोग होते थे? महाजन वो लोग होते थे जिनसे कृषक उनसे कर्जा लेते थे। कैसे लेते? कर्जा कह लेते थे उन साहूकारों से, उनको महाजन को साहूकार भी कहते हैं। कर्जा कह रहे जमीन को गिरवी रख के ताकि वो, और कर्जा लेने के बाद कई बार क्या था, अकाल पड़ गया, बारिश ज्यादा हो गई, यानी वो कर्जा वापिस नहीं कर सकते, तो वो उसकी जमीन को हड़प लेते थे। इससे क्या हुआ प्यारे बच्चों, किसान थे वो शोषण से बच गए। और ये उस समय के आधार पर ये बहुत अच्छी व्यवस्था थी। तो प्यारे बच्चों, आपने इस प्रश्न को ध्यान पूर्वक पढ़ना है, सुनना है और याद करना है। धन्यवाद।